इन दोनों ग्राफ्स को ध्यान से देखो। लास्ट ईयर मई 2020 के अराउंड इस ग्राफ में सबसे बड़ा पीक आया है 104,000 सब्सक्राइबर्स का, एंड उसके बाद से ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट वे में चल रहा है। एंड करंटली दिस ईयर मई 2021 में -2,000 सब्सक्राइबर्स शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सब्सक्राइबर्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये ग्राफ ज्ञानी 2.0 चैनल का मंथली ग्राफ है, एंड इससे पता चल रहा है कि ज्ञानी 2.0 की ग्रोथ डिक्लाइन हो चुकी है। नाउ मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही कहा था कि YouTube पे ग्रो करने के लिए क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, बट मैंने ये भी कहा था कि व्यूअर्स तुम्हारी वीडियो तभी देखेंगे जब तुम क्वालिटी का एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड मीट करोगे। अब अगर इस पॉइंट को हम अभिषेक AKA ज्ञानी 2.0 के चैनल पे अप्लाई करें, एंड अगर तुम उस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो तुम्हें पता होगा कि वो डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वीडियो की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं बरत रहे। नाउ तुम लोग ये सोच रहे होगे, अगर वीडियो की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है तो क्या वीडियो की क्वालिटी में कमी है? इसे समझने के लिए हमें ज्ञानी 2.0 के चैनल को ध्यान से देखना होगा, एंड फॉर दैट लेट मी टेल यू द फर्स्ट फैक्टर जो ज्ञानी 2.0 के चैनल के डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट फैक्टर, ओपिनियंस। ज्ञानी 2.0 की वीडियोस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो डेली जो भी न्यूज आती है रिलेटेड टू बॉलीवुड, क्रिकेट, यूट्यूब, पॉलिटिक्स, टीवी शोज, टीवी रिपोर्टर्स, इन सभी न्यूज के ऊपर वो अपने ओपिनियंस देते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नियॉन मैन एंड ज्ञानी 2.0, हालांकि नियॉन मैन सिर्फ यूट्यूब न्यूज देता है, एंड ज्ञानी ऑल अराउंड वाइड वैरायटी ऑफ न्यूज देते हैं विद हिज ओपिनियंस। अब तुम सोच रहे होगे कि ये ओपिनियंस देने से व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स में कमी कहां से आ रही है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि ओपिनियंस देने के फायदे और नुकसान क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक न्यूज पे ओपिनियन देने से कुछ लोग तुमसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं, बट अलग कुछ लोग लेस कनेक्टेड फील करेंगे, एंड इतना लेस कनेक्टेड फील करेंगे कि शायद तुम अपने सब्सक्राइबर्स भी खो दो। ज्ञानी 2.0 अपनी डेली वीडियोस में हर एक न्यूज पे अपने ओपिनियंस देते हैं। अब उनकी कोर ऑडियंस को शायद उनके ओपिनियंस पसंद आए, बट फॉर एग्जांपल अगर किसी यूट्यूबर के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है एंड ज्ञानी ने उस यूट्यूबर के अगेंस्ट बोल दिया, तो शायद यूट्यूबर की कोर ऑडियंस ज्ञानी को अनसब्सक्राइब कर दे। एंड इसीलिए मैंने कहा कि ओपिनियंस देने से शायद कुछ परसेंटेज ऑफ लोग तुमसे अग्री कर सकते हैं एंड काफी परसेंटेज ऑफ लोग तुमसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, ज्ञानी 2.0 हर एक न्यूज में अपने ओपिनियंस देते हैं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाती है एंड वीडियो की लेंथ भी थोड़ी लंबी हो जाती है। देन कम्स द सेकेंड फैक्टर, नो स्पेसिफिक न्यूज। जैसे मैंने पहले कहा कि ज्ञानी 2.0 वाइड वैरायटी ऑफ न्यूज जॉनरा को कवर करते हैं, फ्रॉम बॉलीवुड, क्रिकेट, यूट्यूब, टीवी शोज, पॉलिटिक्स, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, टीवी रिपोर्टर्स, ये सभी जॉनरा के न्यूज को ज्ञानी कवर करते हैं। Now let me tell you कि इस फैक्टर का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा यूट्यूब न्यूज में इंटरेस्टेड है तो वो नियॉन मैन और न्यूज बॉय को देखेगा ना, ज्ञानी 2.0 की वीडियो को वो तभी देखेगा जब उन्होंने उस न्यूज को कवर किया होगा। एंड अगर ज्ञानी 2.0 ने उस न्यूज को अपनी वीडियो में कवर किया है, उसके साथ साथ दूसरे जॉनरा के न्यूज को भी कवर किया है, तो ऑडियंस सिर्फ जिस न्यूज में इंटरेस्टेड है वो देखेगी और बाकी न्यूज को नहीं देखेगी अनटिल एंड अनलेस ऑडियंस उसमें भी इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से ज्ञानी 2.0 के वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाएगा एंड यूट्यूब उस वीडियो को आगे रेकमेंड नहीं करेगा एंड व्यूज कम हो जाएंगे। एंड ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से उनके चैनल की ग्रोथ स्टैग्नेंट पोजीशन में है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ न्यूज को कवर नहीं करते, वो एक वाइड वैरायटी ऑफ न्यूज को कवर करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस जिस न्यूज में इंटरेस्टेड होती है उसी वीडियो को देखती है, बाकी वीडियोस को देखती ही नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट फैक्टर, डेड सब्सक्राइबर्स। यानी 2.0 के चैनल पर करंटली 400,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट उनके डेली वीडियोस पे 20,000 से 30,000 व्यूज ही आते हैं, तो बाकी सब्सक्राइबर्स इनकी वीडियोस क्यों नहीं देख रहे? इसका रीजन मैंने जैसे पिछले फैक्टर में बताया, वाइड वैरायटी ऑफ न्यूज की वजह से। बट 400,000 सब्सक्राइबर्स उनके चैनल पे हुए कैसे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। वीडियो की स्टार्टिंग में जो तुमने ग्राफ देखा था जिसमें लास्ट ईयर मई 2020 में सब्सक्राइबर्स की सबसे बड़ी पीक ज्ञानी 2.0 के चैनल पे आई थी, दैट वाज द टाइम जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी हुई थी, इफ यू रिमेम्बर। नाउ उस कंट्रोवर्शियल वेव ने काफी यूट्यूब चैनल्स की ग्रोथ की है एंड उस ग्रोथ को उन चैनल्स ने मेंटेन भी किया है, बट ज्ञानी 2.0 के चैनल की ग्रोथ तो उस कंट्रोवर्शियल वेव से हो गई, बट उन सब्सक्राइबर्स को ज्ञानी रिटेन नहीं कर पाए, बिकॉज
बिकॉज उस कॉन्ट्रोवर्शियल वेव के बाद उन्होंने यूट्यूब न्यूज के जॉनरा को कंटिन्यू किया ही नहीं, उन्होंने वाइड वेराइटी ऑफ न्यूज बताना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो यूट्यूब न्यूज की कोर ऑडियंस थी वो ज्ञानी 2.0 के चैनल के एक्टिव सब्सक्राइबर्स होने की बजाय डेड सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हो गई। एंड नॉट जस्ट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कॉन्ट्रोवर्सी, उनके चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है रोडीज की नेहा धूपिया की कॉन्ट्रोवर्सी, एंड इस कॉन्ट्रोवर्सी ने भी ज्ञानी 2.0 के चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज किए। बट रोडीज कोई एवरग्रीन शो नहीं था, शो आया और चला गया, उन्होंने सिर्फ नेहा धूपिया की एक कॉन्ट्रोवर्सी कवर करी जिसकी वजह से उनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए। अगर वो रोडीज के हर एक न्यूज को कवर करते रहते तो शायद जो कॉन्ट्रोवर्सी से सब्सक्राइबर्स उनके चैनल पे इंक्रीज हुए थे मे बी वो रिटेन रह सकते थे। बट नहीं, वो सब्सक्राइबर्स भी ज्ञानी 2.0 के डेड सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में इंक्लूड हो गए। देन कम्स द फाइनल फैक्टर, इवॉल्विंग द कंटेंट। अगर ज्ञानी 2.0 के चैनल को ग्रो होना है तो उन्हें एक स्पेसिफिक न्यूज जॉनरा पे ही स्टिक करना पड़ेगा। वेदर इट इज पॉलिटिक्स, यूट्यूब, क्रिकेट, बॉलीवुड, जो भी न्यूज जॉनरा उनके चैनल के वीडियोस के ऊपर मैक्सिमम व्यूज लेके आ रहा है उन्हें उसी न्यूज जॉनरा पे स्टिक करना होगा। नाउ उनका चैनल दोबारा से ग्रो होगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि ज्ञानी 2.0 अपने कॉन्टेंट को इवॉल्व करना चाहते हैं या फिर सेम कॉन्टेंट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सो गाइज, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वॉज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और ब्यूटी मैडनेस पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।